हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप इन चारों नंबर्स को देखिए। नंबर्स पे डिफरेंट डिफरेंट तस्वीरें दिख रही हैं, नंबर्स दिख रहे हैं। आपके ऊपर है, जैसा आपको लगे, आपको पसंद आए, जो पसंद आए चुन लीजिए। आज की रीडिंग हम देखने जा रहे हैं कि वो आपके साथ क्यों हैं। अब यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, कुछ भी। अगर आपके मन में डाउट है उनको लेके, आपको उनकी फीलिंग समझ में नहीं आती है कि ये इंसान तो कभी बहुत अच्छा है, या फिर आपका मन जानता है कि ये इंसान किसी न किसी मकसद से आपके साथ है, लेकिन फिर आपको लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो आपके साथ क्यों है, टॉपिक है आज का। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। जो नंबर आपको अपनी ओर खींच रहा है वो नंबर चुन लीजिए। अगर आपके जीवन में एक से ज़्यादा ऐसे पर्सन है जिसको लेके आप डाउट में रहते हैं, कभी भी आप क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर को आप डिफरेंट डिफरेंट इंसान के लिए देख सकते हैं। देखिए, ये एक तरह का जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है कि कभी आपसे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कि आपसे कनेक्ट ना हो। आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। मैं आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं दूंगी कि आप इसको माने, फॉलो करें। ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी से है। आपको देखना है आप देखें, आपका नहीं मन है आप बिल्कुल मत देखें, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको देखना है, फॉलो करना है, ठीक है। और ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होगी, ठीक है। तो बस सब बिल्कुल फ्री होके एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए, या फिर आपको कुछ यहाँ से हेल्प मिल जाए तो अपने जीवन में उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और किसी के साथ कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ ना हो तो बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, अगर आपको पसंद आया तो फिर से हम सेम टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि वो आपके साथ क्यों है। कोई भी नंबर चुनना है, ईश्वर का नाम लीजिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर पसंद आया तो चुन लीजिए। ईश्वर का नाम लेके प्रार्थना कीजिए कि आपको उस इंसान की हकीकत समझ में आ जाए जिसको लेके आप बहुत डाउट में हैं। बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंसान के दिल में है क्या, ठीक है। तो आज हम देखेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे चार नंबर्स दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे चार कार्ड्स दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स जो दिख रहे थे, ये चार कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने जिसके लिए जो नंबर जो कार्ड चुना था, बस आपको वही रीडिंग देखनी है। रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है कि वो आपके साथ क्यों है। आइए, फर्स्ट नंबर जिसने भी चुना, जिसके लिए भी चुना, ध्यान में रहे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर भेजिएगा अपनी तरफ से। अगर आपको लगता है कि रीडिंग कनेक्ट होती है लेकिन आपके लाइफ में वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, बहुत ज़रूरी है कि हमारा और आपका कनेक्शन बने। उसके लिए मुझे अपने बारे में बताएं। आप जब तक हम आपको जानेंगे ही नहीं तब तक आपसे रीडिंग कनेक्ट हो ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, टाइम नहीं रहता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ यही चीज़ ये लिखिए वो लिखिए, नहीं, आपका मन करे तो छोटी सी, मतलब मैंने कुछ शब्द आपको बताया जैसे थैंक यू यूनिवर्स, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा इसलिए मैंने ऐसा बताया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे लाइट आजकल प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, रोशनी रोशनी है यहाँ पर, बहुत सारी रोशनी है। आइए देखते हैं, फर्स्ट नंबर जिसके लिए भी आपने चुना है वो इंसान आपके साथ क्यों है। देखिए, आप इस इंसान के ऊपर डाउट कर रहे हैं लेकिन इस इंसान को आपसे फ़ायदा है। अब फ़ायदा यहाँ पे नेगेटिव नहीं, ठीक है, पॉजिटिव है। आपको भी इनके साथ अच्छा लगता है, ये इंसान बहुत समय बाद आपसे मिले हैं, ठीक है। आप बहुत समय बाद आपके रिश्ते सुधरे हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
और ये इंसान अपना फ़ायदा भी सोच रहा है, साथ में वो रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, अभी आपके बगैर जीवन में उन्हें बहुत दुख उन्होंने सहा है, देखा है। जब ये इंसान आपको छोड़ के गया था तब इनके लाइफ में बहुत मुश्किलें थीं। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए भी, जैसे आपके साथ रहने से उनको फ़ायदा है किसी चीज़ का, ज़रूर है, इनकी जीवन में विकास हो रहा है आपके साथ रहने से, वो चाहे आपकी बुद्धि के द्वारा हो, या फिर आप उनको मोटिवेट करते रहते हैं समय समय पे, या फिर आप उनकी मदद करते रहते हैं। लेकिन पॉजिटिव है ये इंसान, आपसे बहुत ज़्यादा मदद की उम्मीद नहीं है। मतलब ये नहीं है इस इंसान को कि आप आपके पीठ पीछे छुरा भूक के ये आपके साथ कुछ ऐसा कुछ विश्वासघात करें, नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ये अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपसे फ़ायदा लेना चाहता है ये इंसान, ठीक है, आपसे थोड़ा सा मदद लेके, थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श करके कुछ जीवन में फैसले लेगा, जिससे इन्हें पता है कि आप आपके पास इतनी क्षमता है कि आप इंसान को अच्छा सलाह दे सकें, अच्छे से गाइड कर सकें, और आर्थिक मदद भी आपने इस इंसान की होगी। इन्हें एहसास है कि इनके आपके उनके जीवन में आपके सिवा ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपकी आर्थिक रूप से सहायता कर सके। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिनके ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, आप पूरी तरीके से संपन्न हैं, इन्हें ऐसा लगता है, तो ये आपसे मदद चाहते हैं जीवन में। पॉजिटिव तरीके से ये इंसान आपसे जुड़े हैं, दोबारा से अगर जुड़े हैं तो कोई भी मन में इनके छल कपट नहीं है, ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड अगर आपने चुना है तो चलिए देख लेते हैं कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके जीवन में क्यों हैं, किस मकसद से हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं होंगे तो बहुत बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी ना रीडिंग कनेक्ट हो जाती है, उसका रिज़ल्ट जो होता है मैंने रीडिंग में बताया वैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं। अब कमेंट किया कीजिए, मुझे अपने बारे में बताएं। जब तक आप मुझे अपने बारे में नहीं बताएंगे, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्या एनर्जी है, जब तक मुझे पता नहीं होगी तब तक रीडिंग कनेक्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। अपना जो भी दुख है आपका वो बताएं हमें कमेंट करके, अपना जो भी परेशानियाँ हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं तो वो भी शेयर कीजिए, जैसे वो खुशियां दुगनी हो जाए, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, इतना समय तो आप अपने आप को दे ही सकते हैं कि अपनी इच्छा के हिसाब से आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, आइए देखें ये इंसान आपके जीवन में क्यों है। अरे आप तो ऐसे ही डाउट कर रहे हैं, ये इंसान तो आपका सोलमेट है, आपका लव पार्टनर है, सच्चा जीवन साथी है, ये आपकी ओर बहुत आकर्षित है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी आपकी ओर। ये आपकी एक तरीके से, मैं एक चीज़ और बताऊंगी, ये फिज़िकल तौर पे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, ठीक है। फिज़िकली आप बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, जो ये खींचे चले आते हैं आपकी ओर, ये भी है। साथ में ये आपकी आत्मा से भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, यानी आप बहुत एक अच्छे बहुत ही प्योर सोल है, एक बहुत ही ज़्यादा लोगों को केयर करने वाला एक अच्छा दोस्त हैं आप। तो ये इंसान आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, जिसमें एक प्यार का रिलेशनशिप है। अब आप जिसके लिए भी इसको देख रहे हैं ना, तो ये इंसान आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन ये इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट हैं, प्यार करते हैं ये आपसे, लव करते हैं ये आपसे। अभी आप किसके लिए ये चीज़ देख रहे हैं अब वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है आपने किसी ऐसे इंसान के लिए देखा है इसको, जिससे आपको ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा विचार रखते हैं आपके, लेकिन ये आपकी ओर आकर्षित होते हैं, ये नेचुरल है। हम किसकी ओर आकर्षित होंगे, किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि समाज के हिसाब से वो ठीक ना बैठे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा भी गया, अक्सर ऐसा होता भी है। तो कुछ लोग ऐसे लोगों के बारे में भी देख रहे होंगे जो लोग रिश्ते को, मतलब एक मर्यादा होती है हर रिश्ते की, तो वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, मतलब साफ तौर पर मैं कहूँ तो आपने जिसके लिए भी सेकेंड नंबर को चुना था, वो इंसान आपकी ओर आकर्षित हैं, फिज़िकल तौर पे भी हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, बहुत लव करने लगे हैं, और ये प्यार इनका सच्चा है। अब ये आकर्षण है, अट्रैक्शन है, तो इसकी भी एक सीमा होगी,
वो हम कभी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समय है वो ऐसा ही है इनके साथ और काफ़ी समय तक इस एनर्जी में ये रहेंगे। एनर्जी बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है, ये भी बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी काफ़ी समय आप की ओर ये इंसान ऐसे आकर्षित रहने वाले हैं, लेकिन ये भी एक एनर्जी चेंज भी होती है, ठीक है। तो बहुत समय तक परमानेंट कोई चीज़ रहे ये ज़रूरी नहीं है। नंबर सेकेंड, नंबर थ्री, तो जिन लोगों ने भी नंबर थ्री को चुना है, जिसके लिए भी चुना है, ये देखते हैं ये इंसान आपकी ओर आपके साथ क्यों है, आपकी ओर क्यों है, ठीक है। क्या मकसद है इनका, क्या प्यार सच्चा है या झूठा है या दिखावा है या छल कपट है, क्या है नंबर थ्री। लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करना है, अपने बारे में बताना है, आपकी हमारी एनर्जी कनेक्ट हो सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मुझे अपने बारे में बताएं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मालूम है ना कि आपकी एनर्जी क्या है, आप कौन है। आपने कभी कमेंट नहीं किया तो जाहिर सी बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा और आपका रिश्ता और मजबूत होगा, आप हमारे परिवार का हिस्सा होंगे और जो हमारे परिवार का हिस्सा होगा वो दुखी रहे ऐसा मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे प्यार का हिस्सा बन सकते हैं, परिवार का हिस्सा, जो भी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर थ्री, बातें बहुत अच्छी अच्छी हो रही थी यहाँ, प्यार प्यार ही हो रहा था, तो भाई आप लोग इतना डाउट क्यों कर रहे हैं। नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट के साथ भी सेम चीज़ दिख रही थी मुझे, लेकिन नंबर थर्ड जो आपने चुना, नंबर थ्री आपने चुना, आप भी अपने पर्सन के ऊपर डाउट कर रहे हैं या जिसके लिए भी आपने चुना, या दोस्त है या फिर जो भी इंसान है, बहुत ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित है, आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है आपके, और आपका सच्चा मित्र जो होगा वो यही इंसान है, आपके साथ एक सच्ची मित्रता ये निभाना चाहते हैं, अपना सारा सुख आपको देना चाहते हैं, आपका सारा दुख अपने लेना चाहते हैं। आप इन पे डाउट क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि ये इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया, फिर से आपसे माफ़ी मांग के फिर से ये दोबारा से जीवन में आपके आए हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि चीज़ें बार बार रिपीट हो, ये इंसान चेंज हो चुका है, इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंसान कुछ नया करना चाहते हैं, ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपसे एक अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव इंसान है ये, इनकी सोच अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेके कुछ भी गलत नहीं है इनके मन में। ये कार्ड सबसे बेस्ट आपके लिए आया है नंबर थ्री, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। नंबर फोर, तो जिसके लिए भी आपने चुना है, आइए देखते हैं नंबर फोर। आपके जो पर्सन हैं, जिसके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपके लाइफ में क्यों हैं, आप ये जानना चाहते हैं, क्या कोई छल है या फिर प्यार है सच्चा, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट कीजिएगा, अपने बारे में बताइए, यूनिवर्स को थैंक भेजिए। जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना प्रेजेंट दिखाएंगे चैनल पे कि आप हैं, उतना ज़्यादा आपसे रीडिंग कनेक्ट हो सकेगी और जो भी बातें आप सुनते हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर होंगी पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपने नाम से किया कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। आइए देखते हैं नंबर फोर। ये जो व्यक्ति है, ये इंसान आपके पास, इनका आना मजबूरी है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आपको लगे कि किसी भी पल की आपके लिए नहीं है तो आप इसे फॉलो मत कीजिएगा, लेकिन जिनके लिए भी है, ये इस इंसान की मजबूरी है कि ये इंसान आपके साथ है। ये इंसान आपके साथ होना नहीं चाहता है, ये इंसान खुद के ऊपर से बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है, इसे अपना काम निकलवाना है, ठीक है। तो लाइट आ गई जो फर्स्ट नंबर के कार्ड से कटी थी, आपके लास्ट नंबर फोन में आ गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये कि लाइट आ गई है और यहाँ हमारा प्यारा सा जो एक रोशनी का प्रतीक हम जिसे मान रहे हैं वो जल रहा है। तो चलिए आपकी रीडिंग पे आते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है इस कार्ड की, और जो लोग सुन रहे हैं जिनके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये इंसान अपने मकसद से आपके लाइफ में है। जैसे मकसद ख़त्म होगा, इनका काम जो बिगड़ गया काफ़ी हद तक उसको वो ठीक करेंगे, जैसे इनका काम बन जाएगा ये इंसान फिर से अपने उसी एटीट्यूड में आ जाएंगे जैसे ये हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं। ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें अपना काम निकलवाना है, इन्हें अपना काम करवाना है हर कीमत पे, इन्हें अपने लाइफ में फिर से बैलेंस में अपने आप को लेके जाना है। जैसी एनर्जी में ये रहा करते थे वैसी एनर्जी में ये फिर से जाएंगे, ठीक है।
तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसे अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान फिर से जाएंगे और फिर से जब जाएंगे तो आपका दिल टूटेगा। ये अपने काम से आए हैं, इनका कोई नुकसान हुआ है, जिसे इन्हें पता है कि जिसे सही कौन कर सकता है वो आप कर सकते हैं। आपके पास इतनी क्षमता है कि आप बिगड़े काम को बना देते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर मुश्किल समय में इनके साथ साथ रहे हैं, इनके काम आए हैं, तो इन्हें लगता है कि फिर से आपसे वो काम लें और फिर वो आपको ही एटीट्यूड दिखाएं। देखिए, ये जो रीडिंग थी बहुत नेगेटिव थी, तो मैं आपसे कहूँगी अगर आपसे कनेक्ट हुई है तभी आप इसको फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।